प्यारी इन्हें है जिंदगी है प्यार के बंद सभी दिल की सुने दिल की कहे हर हाल में ये खुश है कुछ भी हो सपने तुम लोग क्या बैंड पार्टी में भर्ती हो गए? बैंड पार्टी नहीं, सबका बैंड बजाने के लिए। टंबे गिलास पानी पी ले। राजा ए टाई लगा के अकड़ गया, भिड़ो सारा के बैठ ना। नहीं 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 नहीं, सॉरी हाँ गुरु, क्या है ना, एवरीथिंग कैन वेट, बिजनेस कैन नॉट। लेकिन राजा भाई चाय तो पी के जाओ, एक छोटू दो चाय बना बढ़िया। ऑल राइट गुरु, वन फॉर द रोड। पीला पीला। ए खोपड़ी, ये क्या है? गाड़ी की चाबी। लेकिन तेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। चाबी आ गई ना, गाड़ी भी आ जाएगी। गुरु बुरा मानने का नहीं, क्या है ना, हम लोगों ने बिजनेस चालू किया है और हमारा पहला सूर मीटिंग में लेट जाने का नहीं, टाइम इज मनी। चलो पार्टनर। ए लॉन्ड्री वाले खुले में कपड़े कब से सुखाने लगे? क्या सेठ लोग, धंधा पानी ठीक चल रहा ना? ए अरे ए देखे अपने के बिजनेस में बोलने का नहीं बीच में। तुम लोग सब समझ गए ना? यस। मैंने कभी चाइनीज फूड खाया ही नहीं। हमने भी कभी चाइनीज फूड नहीं खाया। मैं कभी भी नहीं खाता। अरे तो कौन कह रहा? अरे तो कापड़िया साहब कौन कह रहे हैं आपको खाने के लिए? हम तो सुल्लास भाई को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इस नुक्कड़ के ऊपर चाइनीज ठेला चल सकता है। डन डन डन। लेकिन मैं नहीं खाता। अरे मत खाना यार, मत खाना, प्लीज मत खाना। दोस्त प्यार से मुझे राजा कहते हैं। और ये है पार्टनर मिस्टर दुखिया। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तू मेरे को एक बात बता, तू तेरा चाइनीज का बाकड़ा लगाने वाला है? चाइनीज का बाकड़ा इधर ही लगाएगा ना, इधर। चल अब बाकी भाजी पूरा नुक्कड़ अपना ही। पूरा नुक्कड़। एक बात बोलो, बोलो बाजू। मेरे को ये पूरे इलाके में कोई चाइनीज खाना खाने वाला दिखता नहीं यार। भाई साहब, भाई साहब इधर चाइनीज होटल किधर है? भाई साहब इधर चाइनीज होटल किधर है? भाई चाइनीज में झाड़ू मारेगा क्या? नहीं भाई, मेरे को सूप पीने का है। दिखाओ लास्ट भाई। तुमसे कहा था ना कि यहाँ नहीं है चाइनीज रेस्टोरेंट। अरे यही कहीं होगा चाइनीज रेस्टोरेंट। एक मिनट, मैं साहब यहाँ कोई कोई चाइनीज रेस्टोरेंट होगा क्या? नहीं खैर अभी तो नहीं है, शायद कुछ देर के बाद। नो, अपनी बात तो सुनो तुम। देखा उल्लास भाई, दुखिया भाई, राजा भाई, आप चाइनीज होटल खोलने वाले थे ना? तो एग्रीमेंट मैंने तैयार कर लिया है, दुकान पर आकर साइन कर लो। कहना कापड़िया साहब आप 10 मिनट लेट आए हैं, हमारा सौदा ऑलरेडी उल्लास भाई के साथ में नक्की हो गया है। डन 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 डन। मगर इधर चाइनीज बाकड़ा चलेगा क्या? अरे उल्लास भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? चाइना में। तो वो बेवकूफ है, पागल है, जो सुबह शाम चाइनीज खाना खाते हैं। लेकिन मैं नहीं खाता। अरे तो तेरे से किसने पूछा है क्या? अरे खान सामाओ, दुकान का नाम क्या रखा है मियां का? दुखिया चाइनीज भंडार। ऐसा लगता है जैसे खाड़ी भंडार। अरे कुछ और सोचना दुखिया। तो दुखिया चाइनीज साबा कर देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं। देख मैं अक्षर निकालता हूँ, लकी अक्षर। ये राजा चाइनीज मार्ट। ये तो कोई खिलौनों की दुकान का नाम लगता है यार। तो फिर कौन सा नाम रखूं? और नाम में खुबली खानपान बंदर, और तुम्हारे नाम बहादुर साहब। और बहादुर ने यूएन संग, यूएन संग नाक में से बोल रहा हूँ, यूएन संग। गणपत मिट माय चाइनीज कुक। खोपड़े बोलो, तुम लोग जो ठेला लगा रहे हो उसका लाइसेंस लिया क्या? लाइसेंस? अरे तेरे को भी सूप पिलाएगा ना यार? अपन ईमानदार हवालदार है क्या? अरे क्या ईमानदार लोग सूप नहीं पीता क्या?
कादर भाई आ जाएगी। चले राजा। अरे राजा यार कमाल है, मेरे कुछ सब कुछ करना पड़ता है। हाँ। उल्लास भाई को भी मैं लाऊ, चाइनीज कुक को भी मैं लाऊ। हाँ। लो आ गया, पूछो उसको नाम क्या है। यू एन संग। बाकी दो किधर है। मेरा ही नाम यू एन संग है। अरे ऑल इन वन है यार राजा। क्या क्या पकाने आता है। मेरे को सब कुछ पकाने आता है। पगार कितना लोगे। 4,000 रुपया। 4,000 ठीक है हमारे को, एक साल की 4,000 रुपया ठीक है जी। अरे साहब एक साल का नहीं, एक महीने का 4,000 रुपया होता है। मिस्टर यू एन चंग आप चीन की लंबी दीवार पकड़ के निकल जाइए। ठीक है साहब ठीक है, मेरे पास बहुत काम है। अरे किसको पकड़ लाया यार, 4,000 रुपए होते तो ये धंधा करते, 5-star होटल ना खोलते। ए बहादुर ए यू एन चंग सायोनारा। अब तुम दोनों ढूंढो दूसरा चाइनीज कुक। अरे तेरे उज्जवल भविष्य की ओर, आने वाले कल की ओर आ जाए तो बता देना। अरे आ गया है हमारे पास, कादर भाई के पास नहीं, जो तुम्हारा खून चूस चूस के कटिंग बेचता है और तुम्हें 200 रुपए पगार देता है। तंबी तेरे को उसके पंजे से निकलना पड़ेगा। लेकिन कैसे। बगावत बगावत कर। बगावत नहीं, हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जा। कंपनी हमारे चाइनीज होटल में काम कर। काम करो दुकिया खोपड़ी राजा कंपनी। 400 रुपए तनख्वाह है इनकम टैक्स काट के। 400 रुपए तनख्वाह। दिवाली में लंबी पैंट। दिवाली में लेकिन दिवाली तो अभी आके गई राजा। अरे तो अगले साल फिर आएगी, तू कौन सा एक साल में मरने वाला है। अरे तंबी जरा सोच, 400 रुपए तनख्वाह बिना इनकम टैक्स के और दिवाली में लंबी पैंट और हर इतवार को एक पिक्चर मुफ्त। जरा सोच तम्बी सोच। लेकिन कादर भाई की दुकान का क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चले क्या बात कर रहे हैं। क्या बात है भाई, कहां से ये लंगूर को उठा के लेके आया। मारो लंगड़ू। मेरी बात सुन। हाँ ए भाई, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। दोस्त है यार। तू यहाँ मेरी मदद करने आया ना। तो मदद ही तो कर रहे है यार। कस्टमर के साथ झगड़ा क्यों करता भाई। क्या होता है कि धंधे में कभी कभी कस्टमर की दो बात सुननी पड़ती है। तो कस्टमर कभी सोचना मांगता है ना, मैं गवर्नमेंट का आदमी, मेरे से ऐसा बात कर रहा है। लेकिन उसको क्या मालूम कि तू गवर्नमेंट का आदमी है। मगर उसको यूनिफॉर्म दिखाई देता है कि नहीं। मैं तो चुप कर। अरे यार कादर भाई तुम ये संभालो, मेरे से नहीं होगा भाई। चला ए दगड़ू। ए दगड़ू। ए दगड़ू। ए गुरु तू हंस रहे ला, आप उनका हालत खराब हो रहा है। नहीं मेरी हंस रहे कादर भाई। गुरु मेरे साथ चलना, आप उन चल के ना तंबी को पटाखे लाते मस्का लगा के। अरे तो उसके बगैर आप उनका गुजारा होने वाला नहीं है। वही काम करेगा इधर। दुकान को समय से खोलने का, बंद करने का, दुकान को बिल्कुल साफ रखने का। समझाए तुम लोग। गुरु देख कैसा टोपी पहन के इधर देख रहे हैं, उसको समझा जरा पागल हो गया। अरे हेलो एवरीबॉडी। अरे वाह तंबी क्या लग रहा है तू यार। जरा एक मिनट एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा बात करो तंबी के साथ। तेरे को क्या हो गया, क्या नाटक लगा है तू। कादर भाई की नौकरी क्यों छोड़ा। देख बिचारे की हालत क्या हो गई तेरी बिना। चल जा भी नौकरी कर, वहाँ पर काम शुरू कर। करो अपन को ना हिंदी अब समझ में आता नहीं है। क्या थोड़ा चाइनीज में बोलो। कादर भाई गुरु चाइनीज बोलेगा तो। अरे कादर भाई बोलेगा तो पगार का बात करता है। पैसा 300। पगार 300 बोल देता। अब उतना तो लगेगा कादर भाई, उतना लगेगा। तम्बी 300 रुपया बोलता है कादर भाई। थोड़ा और साफ चाइनीज में बोलो। कादर भाई उनको 500 रुपया दे दे, अपन उसका तंबी बनने को तैयार है। अच्छा कादर भाई ये बात तुम्हें बोलो ना उसको। तंबी बेटा चाइनीज में फुल पेंट को क्या बोलते। बेटा अपन तेरे को पैंट भी देगा, चड्डी भी देगा, मोजा भी देगा, जूता भी देगा, सब देगा, और मेरे मरने के बाद तेरी दुकान भी तेरी है। चल ना बेटा है? कैसी बात करते हैं कादर भाई। चल आ जा। चलो तूने क्या किया यार। गुरु हम लोग का नया नया धंधे का सवाल है यार। राजा भाई लेकिन मेरे पुराने धंधे का क्या होगा यार। अरे यार तेरा पुराना धंधा तो चल ही रहा, हमने तो अभी शुरू किया है। अरे लेकिन मैं इसके बाप जैसा हूँ। अरे तो मैं इसके चाचे जैसा हूँ। मेरा बेटा है। अरे तो ये मेरे भतीजे समान है। गुरु ये तूने क्या किया यार। गुरु अच्छा बाबा मैं संभालता हूँ, मैं संभालता हूँ बात। एक मिनट कादर भाई। हाँ। आपकी दुकान दिन के टाइम पर चलती है ना। हाँ। करेक्ट। हाँ। तो दिन के टाइम पर तंबी आपकी दुकान संभालेगा
और तुम लोगों का बाकड़ा रात को चलेगा ना, तो तुम भी तू रात को इनका बाकड़ा संभालना, क्यों मंजूर है ना मेरे को? मंजूर है, निकालो एडवांस। ये तुम लोग का बाकड़ा? हाँ, दो चार दिन में झपड़ा लग जाएगा औलाद भाई। हाँ। और कुर्सी मेज भी लगाने वाले हैं। टिप टॉप। तुम लोग का कुक किधर है रे? वो कुक हांगकांग से आ रहा है ट्रेन में। हाँ। यू एन चंग नाम है उसका। और वो पब्लिसिटी पब्लिसिटी और पब्लिसिटी पब्लिसिटी हो रहे है ना? अरे देखना वो पूरा शेर घूम के आया बाप। सबको है एक दिन जाना, लेकिन जाने से पहले नुक्कड़ के बाकड़े पे खाना खाना। टिप टॉप। वो जरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरे ऑफिस में पहुंचा देना। क्या क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अपना वकील पहले पढ़ेगा, उसके बाद में अपन साइन करेगा, समझा? क्या क्या चल जरा मैं होके आ जाए इधर। अरे किस तो जगह है मेरे कोबड़ी, बिजनेस मीटिंग छोड़ के नहीं जाने का, समझिए? अरे दुखिया यार, तुम सभी लोग मेरे दोस्त है, भरोसा है तुम पर यार। अरे सोच ले, बहुत बुरा होगा कोबड़ी। मैं पी के सोच के बताता है, समझा? क्या ये क्या अतरंगी चाल है रे? ये तुम दोनों के ना शराबी बेवड़ा बहुत लफड़े करने वाला पार्टनरशिप में। वैसे भी धंधे में जितना पार्टनर कम थी उतना प्रॉफिट जास्ती, समझाना? चल रे। अरे देख, गिरक लोग के वास्ते खाने का टेबल और कुर्सी बनाने का, और जो पैसा आएगा वो उधर गल्ला और पार्टनर लोग का तीन कुर्सी, समझा गया तू? अरे पोपड़ी तू काय को फिकर करता है, हम लोग है ना, तू जा जाके जाके सो जा, जा, जा। अरे यार राजा, मेरे को टेंशन की वजह से नींद नहीं आता है ना, बहुत कम बाकी है। अरे खोपड़ी, तूने दोस्ती में हमारी जितनी मदद करनी थी कर दी, बहुत है। अरे क्या यार, धंधा नहीं करने गए? तू क्या धंधे की फिक्र करता है, तू ठहरा फकीर औला आदमी, हम लोग क्या करेंगे ना, गले से रोज तेरे को 10 रुपया दे देंगे। हाँ, और खाने के लिए तू फ्री आके ढाबे पे खा सकता है। हाँ। आइडिया। अरे वाह, आइडिया पूरा मेरा और मेरे को सिर्फ 10 रुपया? नहीं खोपड़ी, वो क्या है कि उल्लास भाई को तेरी आदत पसंद नहीं है, और फिर हम पी के धंधा तो कर ही नहीं सकते, क्यों जी? हाँ, और क्या है ना, तू है ना अपने साथ, तेरा ही धंधा समझ। हाँ। अब मैं सोचू कि तुम लोग अचानक बदल कैसे गए? अरे यार पीके तो मेरे को नशा चढ़ता है, लेकिन तुम लोग को तो दूर का पैसा देख के नशा चढ़ गया है। अरे ऐसा नहीं है ना, हम लोग तेरा नाम बोर्ड पे डालेंगे ना, हम लोग। अरे जा जा यार, तुम लोग का थोबड़ा दिखा रहे है कि तुम लोग मेरे को फुटाना चाहता है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं खोपड़ी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि उल्लास भाई को अंदर करने के लिए तेरे को बाहर करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। दुखिया, दुनिया में ऐसी कोई शराब नहीं बनी जो झूठ को पहचान नहीं सके। देख लिया यार, देख लिया तुम दोनों का पैसे का नाटक। राजाराम, अभी 3 कुर्सी में से 1 कुर्सी आउट, 1 पार्टनर गायब हो गया। सुन 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 बबड़ी। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। अरे दुखिया सेठ, कैसे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सेठ। सुना होटल वोटल चल रहा है? फर्स्ट क्लास। भाऊजी का चल सुना। अरे राजा, हाँ ये उल्लास भाई क्यों आया था? उल्लास भाई वो क्या है ना, पास हो रहा था, उसने मेरे को हेलो बोला। अच्छा अच्छा, मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था? तेरे बारे में? हाँ? नहीं, आपस का मामला था मेरा। अच्छा अच्छा, आपस का मामला, तेरे को कोई शक है क्या? नहीं नहीं, हाँ आपस का मामला। मैं दुखिया बोल रहा था, ये रेड कलर अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। अरे अरे राजा सेठ, कैसे हो? अरे गुरु, मैंने तेरा नमक खाया ना पूरा फ्री, अभी मैं तेरे को फ्री चाइनीज चाउमीन दूंगा। मैं भी अपन भी देख, अपन तो मैं भी नहीं नहीं, मैं तेरे को भूलेगा नहीं, तेरे को स्वीट कॉर्न चिकन सूप। अरे वाह, मैं भी तेरा लाइव बन गया। नहीं मैं हरी में हूं, मेरे को दुखिया ढूंढने का। दुखिया दुखिया
दुखिया को मिल के आता है। अरे हाँ मेरे, अरे वो दुखिया, हाँ जी, वो उल्लास भाई क्यों आए थे? अरे यहाँ से गुजर रहे थे, मेरे को हेलो करने चले आ गए। हेलो करने? हाँ। ओ, मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, वो हमारी आपस की अपनी बात थी यार। आपस की बात? कुछ शक है क्या? शक नहीं, वो क्या है ना कि ये गले की मेरे पास दो चाबी है, एक मैं उल्लास भाई को दूंगा और एक मैं खुद रख लूंगा। अभी मैं जरा मैनेजमेंट ले लूं। अरे एक चाबी अगर तू उल्लास भाई को दे देगा तो मैं क्या करूंगा यार? अरे तू मेनू संभाल ना, लोगों को ऑर्डर ले, चाइनीज चॉप सुई, अमेरिकन चॉप सुई, चाउमीन, हक्का नूडल्स वगैरह वगैरह। मतलब ये एक के मालिक बन के तू रहेगा और वेटर बन के मैं लोगों के ऑर्डर लेता रहूंगा? हाँ सुन तो क्या मेरी बात, हम दोनों में पढ़ा लिखा मैं हूँ। अरे होगा यार तू पढ़ा लिखा, लेकिन हम बराबर के पार्टनर हैं, समझ गया? चाबी भले ही तू रख, लेकिन शाम को गल्ला मैं लेके जाऊंगा, समझ गया ना? क्या हुआ? बाजू के गली वाले दोस्त मेरे से खेलते नहीं है। अच्छा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं खेलते, बोलते तेरे को खेलने को नहीं आता है। तेरे बोलने पे सब शेर खरीदे लाए, अभी मेरे बोलने पे तेरे को सब शेर पेट डालने का है क्या? मैं अंदर आऊं? पहले तेरा हिसाब करता मैं कोई हेला। अरे 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 उल्लास भाई। उल्लास भाई, वो मेरा पार्टनर राजा आया था। नहीं क्यों? थोड़ी प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जी। ए, सारा उल्लास नगर जानता है उल्लास को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट की तो प्रॉब्लम है जी। प्रॉफिट की क्या प्रॉब्लम है? वो मैं आपको शाम को अकेले में बैठ के समझाऊंगा, लेकिन जब वो आए उसको पैसे वैसे मत देना। मैं चलता हूं। हाँ भाई ठीक है। आओ रे भाई लागू उल्लास भाई, अंदर आओ। आजा आजा। नमस्ते। उल्लास भाई, वो मेरा पार्टनर दुखिया तो यहाँ नहीं आया था ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम है? हाँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। उसको पैसा नहीं देने का है। हाँ, आप तो अंतर्यामी है। ए चुप! साला तू आता है उसकी चुगली खाता, वो आता है तेरी चुगली खाता, कल दोनों मिलकर मेरी चुगली खाएगा। उल्लास भाई, नहीं करने का है तुम लोग के साथ धंधा। उल्लास भाई निकल जाओ। सेंचुरी बनाई है। सुना दुखिया, आज इंडिया की क्रिकेट टीम मैच हार गई। हाँ तो क्यों नहीं हारेगी, जब टीम के मेंबरों में ही फूट पड़ी हो तो क्यों नहीं हारेगी? होगा कोई राजा जैसा? ए, बकवास मत कर। अच्छा बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तू कर रहा है। गुरु समझा ले इसको, वरना मर जाएगा मेरे हाथ से। अरे दुखिया जाने देना भाई। अरे छोड़ ना कादर यार, तेरे को पता ही नहीं इसने क्या किया। ए, पसा अभी तुम लोग का नाटक क्या यार? तुम लोग दोनों दोस्त हो, प्राइवेट में जाके बात करें, पब्लिक में तमाशा का है। प्राइवेट? प्राइवेट? मुझे ना प्राइवेट में बात करनी है ना पब्लिक में। जब आदमी की नीयत बदलती है ना उसको भाई नजर आता ना दोस्त। नीयत? अरे गुरु ये नियत की बात कर रहा है? अरे दो पैसे की लालच के लिए ये झूठ भी बोल सकता है? उल्लास भाई के पास जाके मेरी बदनामी करता है? नहीं तू तो मेरी तारीफों के पुल बांध के आया था ना। अरे जब मैं पैसे जाके लेके आने वाला था, तुझे वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? नहीं मैं तेरा पार्टनर नहीं था ना, मैं पैसे लेके नहीं आ सकता था। अरे तू इस लायक हो तो ना। अबे चुप, मेरे को गुस्सा मत दिला। मैं जानता हूँ तू मेरे को भी टरकाना चाहता था, जैसे खोपड़ी को टरकाया। खोपड़ी को? गुरु खोपड़ी को मैंने नहीं टरकाया था, इसने टरकाया था। इसने बोलता बाबू जी खोपड़ी तो शराबी है, वो पैदा गोलमाल कर देगा। अरे झूठ बोल रहा है एकदम। ओ खोपड़ी ये सारा झूठ बोल रहा है यार। आज ऐसा हो जाता है चकी जाएगी। अब तू मेरा यार, हमारे बाल, मैं तेरा दोस्त हूं ना, मैं तेरा दोस्त हूं। और गुरु मैं इसका दुश्मन हूं, मैं इसके दुश्मन हूं। तू बकवास करता है एकदम। और तू बकवास नहीं करता। अरे गुरु तू इसको समझा, तू झूठ बोल रहा है। अरे तू चुप रहोगे कि नहीं? पागलों की तरह चिल्ला रहे हो। चल चल बारह में दे, चल जल्दी कर बाबा जल्दी कर।
बाकड़ा ये नौकर पे नहीं वाली गली में बाबूजी, एक नई स्कीम है।